ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसितः मत्परः वशेही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आजकल चल रहा है। एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस डिस्कशन में अर्जुन के प्रश्न का आंसर दिया जा रहा है कि किसको हम स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ कहा जाए। बुद्धि किस में स्थिर है? किसी की? कृष्ण में, कृष्ण चेतना में जिसकी बुद्धि स्थिर है। ये प्रश्न पूछा था कि किसकी बुद्धि स्थिर मानी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हम समाधि में, हम लोग भी समाधि में है ना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत उच्च हैं, भक्ति में उच्च हो गए। कई बार इसमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, कौन भक्ति में उच्च है, कौन किसकी बुद्धि स्थिर कही जाएगी। यहाँ बता रहे हैं श्लोक का तात्पर्य, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो इंद्रियों को, हमने सुना था डिस्कशन, हमने डिस्कशन किया था कि इंद्रियों का मतलब क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। हमने कछुए के एग्जाम्पल में सुना था, यदा संहरते चा चयम कुर्मा अंगानी सर्वशा, कि किस प्रकार से कुर्म यानी कि कछुआ अपने सारे शरीर के अंगों को बाहर अंदर, ऐसा तो नहीं है ना कि एक पूंछ को बाहर रहने देता है, एक पैर को बाहर रहने देता है, क्योंकि वो एक पैर से ही मारा जाएगा, तो इसलिए सारे अंगों को खींचता है। इसलिए यहाँ पर भी बताया गया कि जो इंद्रियों को पूर्णतया पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है पार्शली कि आपने कुछ इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया लेकिन कुछ को नहीं किया। आपने अपने कानों में कुछ बुरा सुनना तो बंद कर दिया लेकिन जीभ से कंट्रोल नहीं किया, खाने पीने को कंट्रोल नहीं किया, या बोलने के प्रोसेस को कंट्रोल नहीं किया, प्रजल्प जारी रखा या वैष्णव निंदा जारी रखी, तो इस प्रकार से कहीं पर भी, या आपने माना जीभ को भी कंट्रोल कर लिया, कान को भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन आँखों से अभी भी कभी कभी कुछ देख ही लेते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति की बात नहीं करी जा रही, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो फिर यही हो गया कि जो कछुआ है उसने अपने शरीर के अंगों को अंदर खींच लिया लेकिन एक पैर बाहर रह दिया, आप जानते हैं क्या होगा। तो इसलिए टोटली 100% एक भी इंद्रिय अगर बची रह गई तो हम मारे जाएंगे। इसलिए वी हैव टू वेरी, और हमको हम ही मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाने गुरुकुल के तो ज़माने रहे नहीं कि गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु आपको ऑब्जर्व करे खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, और आपको बताए नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब तो हम केवल प्रवचन सुन लेते हैं, प्रवचन भी हम लोग कहाँ, जूम पे, किसको क्या पता। जूम में भी कितने लोग वीडियो खोलते हैं, कितने लोग तो आज तक मिले ही नहीं होंगे, जानते ही नहीं है उनको, कुछ कुछ लोगों से मिलते जा रहे हैं धीरे धीरे हम लोग, है ना। बड़ा मुश्किल हो गया है, वैसे ही आजकल मिलना जुलना बड़ा बंद होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में ये शिष्य की कर्तव्य बन जाता है कि वो रिवील करे जाके खुद ही, हाँ, क्योंकि उसी को बीमारी लगी है, वही अपनी ऑब्जर्व कर सकता है कि कौन सी इंद्री उसको अभी भी फड़फड़ा रही है, कौन सी इंद्री उसको तंग कर रही है। यदि वो खुद को रिवील नहीं करेगा तो एक दिन जब बीमारी इतनी बढ़ चुकी होगी तब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, है कि नहीं। ऑपरेशन के बाद भी ऐसा पता चलता है ना, ये तो आखिरी स्टेज में है जी, अब क्या हो सकता है। इसलिए खुद ही को बताना पड़ेगा कौन सी इंद्री, हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कौन सी इंद्री कृष्ण भावना मृत में नहीं लगी हुई है, कौन सी इंद्री स्वयं को तुष्ट करने का प्रयास कर रही है, कौन सी इंद्री कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रही है, कौन सी इंद्री भक्तों को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रही है। ये अब मैंने बताया कि ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको गुरु बताए, क्योंकि आपके गुरु के साथ नहीं रहते हैं ना गुरुकुल की तरह, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवील एंड गेट क्योर्ड।
इसलिए यहाँ बताया जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में करता है, पूर्णतया वश में, इसलिए 100% है ना। वायरस कहीं से भी जरा सा भी घुस जाएगा तो उसका इम्पैक्ट खतरनाक हो सकता है, राइट। कई लोगों ने बीच में मास्क लगाए, केवल मुंह पे मास्क लगाए, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं मुंह पे मास्क लगाने से काम नहीं चलेगा, नाक पे मास्क लगाना पड़ेगा। यदि कोई कहे नहीं मैं मुंह पे मास्क लगा रहा हूँ, इनफ है इनफ, इससे याद नहीं कर सकता मैं, लगा तो रहा हूँ ना, क्या उसको बचाव हो पाएगा? नहीं, बचाव नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इट इज एज गुड एज कि ना लगाया जाए। चलो कुछ तो सुरक्षा होगी, लेकिन वो कुछ सुरक्षा से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट संपूर्ण सुरक्षा नहीं होगी। ये एक भौतिक एग्जाम्पल था। इसी प्रकार से हम सोच सकते हैं कि कोई भी इंद्री जरा सी भी, हमें पता है कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, लेकिन उसको रिवील नहीं करना चाहते हैं, कि हम इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या होगा मेरा, मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, मेरे साथ क्या किया जाएगा। लेकिन यदि नहीं बताएंगे तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। वो बीमारी कैंसर को स्टार्टिंग में ही पकड़ना पड़ता है, नहीं तो अनक्योरेबल हो जाता है, राइट। इसलिए पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है, संयमन यानी कि मनुष्य को इंद्रिय संयमन करना ही पड़ेगा। भगवान इतनी बार हर श्लोक में अगर इसको बोल रहे हैं तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसे कौन से गुरु हैं जो समाज में आ गए हैं और बोलते हैं कि कोई खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है, कोई देखने दुखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने कितने लोगों से मिलते हैं, हम लोग कहते हैं हमारे गुरु जी थे, हमारी दीक्षा हो रही थी, हमारे को नाम मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, गुरु जी ने कुछ बोला, कुछ डोंट्स बताए, कुछ करने को नहीं, नहीं टीवी सीरियल देखने को बंद कहा, नहीं कहा, खाने पीने में बोला, नहीं कहा, कुछ नियम और बताए, प्रजल्प नहीं करना है बताया, नहीं कहा, किसी की बुराई नहीं करनी है, प्रजल्प है, हाँ कहा, नहीं कहा, प्रचार करने को बोला, नहीं बोला हरि नाम के बारे में, तो इसका मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम है? इसलिए इंद्रिय संयमन करना तो वास्तव में मनुष्य होने के लिए आवश्यक है। इसलिए यदि गुरु आपको इंद्रिय संयम की बात ना बताए, जबकि भगवान हर श्लोक में इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं बार बार, पिछले मुझे लगता है एक हफ्ते से हम लोग इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस, हाउ टू कंट्रोल। कंट्रोल में दो स्टेप आते हैं, पहला हम उसको जैसे यम और नियम, कुछ हम नहीं करने का प्रतिज्ञा लेते हैं, कुछ हम करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, ये दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। हमने सुना परम दृष्ट्वा निवर्तते कि हायर टेस्ट मिलता है तभी लोअर टेस्ट छूटता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ डोंट्स भी करने पड़ते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है केवल हायर टेस्ट लेने से लोअर टेस्ट छूट जाएगा, हम इमीडिएटली कुछ रोकते भी हैं, नहीं अब मैं ये नहीं करूँगा और उसके बाद मैं कुछ करूँगा, राइट। जैसे हमने सुना था एक डायबिटीज़ का मरीज है, उसको शुगर मना है, वो मिठाई बंद करता है, हमने बोला था कि वो शुगर फ्री मिठाई खाता है तो एक ऑल्टरनेट मिल जाता है उसको और वो आगे चल पड़ता है, लेकिन उसके लिए वो वाली मिठाई तो बंद करनी पड़ती है ना, वो डोंट है कि ये वाली मिठाई नहीं खाऊंगा, हाँ खाली डोंट से काम नहीं चलेगा, मैंने कहा कुछ ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। ऑल्टरनेट क्या है? ये शुगर फ्री मिठाई खाऊंगा, दोनों ही काम करने पड़ते हैं, इससे कंप्लीट इंद्रिय संयमन होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। यही आज के श्लोक में हम और भी पढ़ेंगे अभी। तो जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, मैं ये कह रहा था कि इंद्रिय संयमन करना एक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम जानवर नहीं है, जानवर इंद्रिय संयमन नहीं करता है, या जानवर भी करता है लेकिन उसकी नॉलेज इस बारे में बड़ी लिमिटेड होती है। आप जानते हैं जो कुत्ता बीमार होता है, हमने देखा है ऐसा, तो खाना पीना बंद कर देता है, और मैंने पर्सनली देखा है कुत्ता हमारे घर में, बहुत बचपन में कुत्ता था, जब बीमार पड़ता था तो जाके घास खाता था। घास खाने से क्या होता था, घास खाने से घास यहाँ पे अटक जाती थी और उसको अंदर से वॉमिट आती थी, और वो थोड़ी देर में सब कुछ बाहर निकाल देता था और थोड़ी देर में स्वस्थ हो जाता था। तो देखिए कुत्ता भी जानता है कि बीमारी करनी है तो खाना ठीक करनी है तो खाना पीना बंद कर दो, कुछ घास वास खाओ, कुछ ऐसा खाओ, वॉमिट करो। हाँ, दिस वॉमिट इज लाइक रिवीलिंग आवर हार्ट। जब हम गुरु को बताते हैं ये देखिए मेरे अंदर ये गोबर भरा हुआ है, ये मेरे अंदर के विचार हैं, ये आप सुनिए, मैं क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये मेरे अंदर का हाल है, तो हम वॉमिट करते हैं, लेकिन कुछ डोंट्स भी करते हैं। अच्छा, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे कि आगे से करते भी रहेंगे और आपके सामने वॉमिट करते रहेंगे, गंदगी फैलाएंगे, केवल गंदगी करते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे, उसका क्या लाभ? आप कम से कम ये प्रतिज्ञा तो लेंगे कि हम ये नहीं करेंगे। तो ये हम कह रहे हैं आपको कि हम तो कुत्ते से बेहतर हमारी समझ होनी चाहिए। हमारी समझ केवल शरीर की बीमारी के लिए संयमन तो हर कोई कर लेता है, कुत्ता भी कर लेता है। उसी तरह से जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर कहता है ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो सब मान जाते हैं हम लोग।
लेकिन क्या हमारी चेतना केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए है? हमारे अपने अपने रियल सेल्फ को शुद्ध करने के लिए नहीं है, इस मन को शुद्ध करने के लिए नहीं है। तो उसके लिए इंद्रिय संयमन मैंडेटरी है। आपके लिए कुछ डोंट्स होने ही चाहिए, खाने के, पीने के, बोलने के, देखने के, सुनने के, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। और दूसरा स्टेप, और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है। दिस स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वट वी हैव बीन डिस्कसिंग लास्ट वन वीक, कि केवल संयमन करने से नहीं, संयमन के साथ में एंगेजमेंट देनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं जो चेतना को मुझ में स्थिर करता है, यानी कि मेरा श्रवण करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरा प्रवचन देता है, मेरा अच्छे विग्रह की सेवा करता है, मुझे प्रणाम करता है, सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर देता है, मुझे सरेंडर कर देता है, मेरी वंदना करता है, ग्लोरिफिकेशन करता है इत्यादि, नवधा भक्ति करता है। इस तरह से अपने चित्त को मुझ में स्थिर, यानी कि कुछ नियमों का पालन करते हुए, कुछ डोंट्स को करते हुए, कुछ डूस करता है, मेरे नामों का रोज नित्य जप करता है, इससे कम माला नहीं करूंगा। नित्य 16 माला कम से कम हमें करनी ही चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण के अवतार हैं कलयुग में, वो कहते थे कि मैं केवल लखपति के यहाँ खाना खाता हूँ। और वो लखपति का अर्थ उनका था जो 64 माला करता है। 64 माला मतलब 1,00,000 भगवान के नाम। तो जो भगवान के 1,00,000 नाम देता है, वही मुझे निमंत्रण दे सकता है हाँ भोजन पाने का। अब सोचिए, भक्ति सिद्धांत कहते थे कि जो 64 माला नहीं करता है वो शूद्र है। सोचिए, वो तो शिला प्रभुपाद इतने कृपालु थे कि उन्होंने अपने ऊपर लिया, कि गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज को बोला कि गुरुवार मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, कृपया, है ना, एक तरह से हमें 16 माला पे, तो 16 माला तो कम से कम हमें करने का प्रयास, जल्दी से जल्दी पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। आई नो इन द बिगिनिंग इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट लाइक अ माउंटेन, बट ये सोचिए कि ये माउंटेन कभी 64 माला वाला था, जो अब टूट के 16 माला वाला पहाड़ रह गया है। जब आप इसको करेंगे तो धीरे 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 आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं, ये अपनी जगह अपने आप बना लेगा आपके जीवन के अंदर। इसको घुसने तो दीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, हर एकादशी में एक माला को बढ़ाइए। इसलिए इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करता है, मन कहता है नहीं करूँगा, सवेरे जल्दी नहीं उठूंगा, लेकिन वो कंट्रोल करता है। देखिए, आप सोचना पड़ेगा आपको कहाँ कहाँ पर आपकी इंद्रिय विचलित हो रही होगी। मुझे लगता है मोस्टली लोगों की इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहती है सोने के समय में। आज भी बहुत सारे लोग 9:30-10 बजे के बाद भी सोते होंगे। तो आप सोच लीजिए कि ये इंद्रिय को आपने छोड़ा हुआ है, वो कछुए ने शेल में से एक पैर बाहर निकाला हुआ है। ये पैर कौन सा है? देर से सोने वाला पैर, और यही मारेगा, क्योंकि ये पैर आपको लेके जाएगा देर से उठने में। हाँ, तो दूसरी इंद्रिय भी बाहर, हाँ दो पैर बाहर आ गए कछुए के शेल में से, एक पैर सवेरे देर से उठने का, एक रात को लेट सोने का। उसके बाद खाने पीने का तो आपने काफ़ी कंट्रोल कर ही लिया होगा, सुनने को देखने को तो कंट्रोल कर ही लिया होगा। हमने देखा है ये चीज़, ये आदतें भक्तों की बड़ी जल्दी छूट जाती है। हमने देखा है भक्तों का टीवी देखना बड़ा जल्दी छूट जाता है, पता नहीं इसका मतलब इतनी बीमारी थी, ये संसार में छूटती नहीं है किसी के लिए। मैं देखता हूँ भक्त इसको सहजता से छोड़ देते हैं थोड़े दिनों में, लेकिन फिर भी देर से सोना और जल्दी उठने को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इसलिए इंद्रियों को पूर्णतः संयम संयमित करते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। आज इस श्लोक को हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। इस श्लोक में बताया गया कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जो कृष्ण भावनामृत नहीं होता, वो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, प्रभुपाद कहते हैं। हाँ, इसलिए संयमित करने के साथ साथ यदि आपने कृष्ण में स्थिर नहीं करी तो थोड़े दिन में विचलित हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि संसार में कोई सभ्य व्यक्ति अगर है, बहुत ही जेंटलमैन है, यदि वो कृष्ण भक्त नहीं है तो वो जेंटलमैन हमेशा बना नहीं रहेगा। बल्कि मोस्टली दिखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े भेड़िए जो है जेंटलमैन की पोशाक में घूम रहे होते हैं, और अचानक से मौका मिलते ही लपक जाते हैं और अपना शिकार करते हैं, किसी स्त्री का गमन करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। जैसे कि पहले ही बताया था एक एग्जाम्पल में कि दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का झगड़ा हो गया था। वास्तव में झगड़ा हुआ ही नहीं था, एक तरफा झगड़ा था। दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दिया था अम्बरीश महाराज ने, या निमंत्रण भी नहीं दिया था, दुर्वासा मुनि अपने आप ही आ गए थे। अम्बरीश महाराज एक साल से हर एकादशी, जहाँ तक हमने सुना है, निर्जल रख रहे थे और उसका पारण करने वाले थे। निर्जल एकादशी थी और एकादशी के बाद पारण का समय हो गया था, पारण का कुछ ही समय बचा था, तभी दुर्वासा मुनि वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा जी आप मुनिवर आइए, प्रसाद पाइए। लेकिन मुनिवर ने कहा जी पहले मैं नहा के आऊँगा। जब तक वो नहाने गए तब तक तो समय निकलता जा रहा था। अम्बरीश महाराज ने कहा मैं क्या करूँ,
ये ब्राह्मण घर में आए हुए हैं, इनको खिलाए बिना मैं कैसे खाऊं? अगर इनको खिला के खाऊंगा तो एकादशी का समय निकल जाएगा। उन्होंने अपने सीनियर्स गुरुओं से राय करी और उन्होंने बोला तुम एक काम करो, ये तो निर्जल एकादशी है, तुम इसको जल लेके इसका पारण कर लो और प्रसाद तब पा लेना जब दुर्वासा मुनि नहा के आ जाएंगे उनको खिलाने के बाद। इस प्रकार से दोनों काम हो जाएंगे। उनको ये सही लगा, समय होते होते उन्होंने जल ले लिया, एकादशी का पारण किया। लेकिन जब जल लिया तो दुर्वासा मुनि चले बड़े योगी थे, उन्हें पता चल गया कि इसने मेरे से पहले जल ग्रहण कर लिया है। और जब वो वापिस आए तो उन्होंने क्रोध से उन्होंने कहा ए दुष्ट, तेरे मन इतनी भी तमीज़ नहीं है कि मेहमान घर में आया हुआ है? इससे पहले वो सुनते उसका तर्क वितर्क, हाँ उन्होंने कुछ नहीं सुना और उन्होंने अपने अपने से एक बहुत बड़ी राक्षसी को पैदा कर दिया। वो जो राक्षस था वो भागा मारने के लिए। अम्बरीश महाराज को ऐसा लगता था संसार के इतने बढ़िया राजा का आज समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तभी बिना अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं बोला, मुझे बचाओ तक नहीं बोला, हे भगवान हे कृष्ण मुझे बचाओ ये भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, केवल हाथ जोड़ के खड़े रहे, माफ़ी मांगते रहे अपनी गलती ना होने पर भी। अक्सर हम डिस्कस करते हैं मेरी गलती ना हो तो भी मैं मैनेज करूँ, दुर्वासा मुनि के सामने वो बिना अपनी गलती के भी माफ़ी मांगते रहे, यानी कि वो अपनी इंद्रियों को कितना संयम, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि अम्बरीश महाराज इतना कुछ होने पर भी अपनी इंद्रियों को संयम कर पाए, लेकिन दुर्वासा अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर पाए जो इतने बड़े योगी थे। लेकिन खैर बाद में सुदर्शन भगवान का अपने आप आया, उन्होंने उस राक्षस को समाप्त किया, दुर्वासा मुनि के पीछे भागा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ऐसा अम्बरीश महाराज क्यों कर पाए, ये आंसर मिलता है श्रीमद् भागवत में 9वें कैंटो में 4 अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक में, जिसमें बड़ा फेमस श्लोक है, सवे मना कृष्ण पदारविंदयोर। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों पर लगा दिया था, अपनी वाणी को भगवान के चर्चा में लगा दिया था, अपने कानों को भगवान की लीला सुनने में लगा दिया था, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगा दिया था, अपनी आँखों को भगवान का दर्शन करने में लगा दिया था, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, हाँ गले मिलने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध को सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का स्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान के सामने झुक कर नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इस प्रकार से जो इस श्लोक में बोला गया, अपनी समस्त इंद्रियों को संयमन किया और भगवान में स्थिर कर दिया, हाँ तो यही व्यक्ति वास्तव में अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम सबको यदि बचना है संसार में इस खतरे से, हाँ तो हमें अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान में लगाना पड़ेगा, यही योग का असली उद्देश्य है, इसी को भक्ति भी कहते हैं। इसी को भक्ति, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्वे निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने को भक्ति कहते हैं। भक्ति की बड़ी सरल डेफिनेशन है जो प्रभुपाद बताते हैं, बहुत ही सरल। क्या ये सारी इंद्रियों को, जब भी आप एग्जांपल सुना, इन सारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी, भैया इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी को तो लगाना चाहिए, है ना? कोई कार है किसी आदमी की, उसी आदमी के लिए यूज़ करनी चाहिए, तो जिसका वो असेट है उसी के लिए यूज़ करना चाहिए। तो इंद्रियों के स्वामी हैं कृष्ण, इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश की सेवा में इंद्रियों को लगाएंगे यदि हम, इसी को भक्ति कहते हैं, और इसी से हम लोग वास्तव में इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो यम और नियम, हमारे नियम कुछ रहेंगे, डोंट्स रहेंगे, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, तो ये 4 हमारे नियम रहेंगे। साथ में डूज रहेंगे, क्या जो अभी आपने सुने इतने सारे, मन को यहाँ लगाया, पैरों को यहाँ लगाया, आँखों को यहाँ लगाया, वगैरह वगैरह वगैरह, इस प्रकार से हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।